हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका दोस्त काव्य सिंह और मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और फाइनल दोस्तों, अभी हम लोग 3-4 दिनों से लेलुंगा में काम कर कर के बोर हो गए हैं और आज हम लोग जा रहे हैं नया जगह काम करने के लिए। और काम भी करेंगे और उधर घूमेंगे भी, किस टाइप का वहाँ का नया नया लोकेशन है। तो गाइस, आप ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा और इधर का जो भी होगा अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया लोकेशन सबको हम दिखाने वाले हैं और खासकर यहाँ का रोड किस टाइप का बना है वो दिखाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं राजपुर रोड में खड़ा हुआ हूं और यहां का खास बात देखिए, यहां का रोड कितना बेहतरीन गजब है। आप देख पा रहे हैं कितना बेहतरीन गजब रोड है। और ये रोड बना हुआ ज़्यादा समय नहीं हुआ, करीब 1 साल के अंदर में है। और यहां का दुर्गति देखिए रोड का, जो कि यहाँ हमेशा भारी वाहन चलते रहते जिस वजह से रोड इस टाइप का है। ये रोड ही इस टाइप का बनाया गया है या फिर भारी वाहनों के कारण ये सब हुआ है ये नहीं पता, लेकिन देखिए रोड का हालत कुछ इस टाइप का है। 1 साल में ऐसा तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रोड किस टाइप का है। और चलने में काफ़ी परेशानी होती है और इसी टाइप का रोड है राजपुर रोड। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की ओर देखते हैं आगे किस टाइप का है। अभी मैं जस्ट पहुंचा हुआ भेड़ू मुड़ा आके ढाबा पारा में। और अभी मेरे को जो काम करना है, देखिए ये वाला इस चबूतरा को मेरे को पेंट करना है। और फिलहाल अभी हम लोग जस्ट सीढ़ी उड़ी जुगाड़ किए हैं और अभी मेरे को इसको पूरा पेंट करके देना है। और ये है भेड़ी मुड़ा का ढाबा पारा। और चलिए दिखाते हैं इधर का बस्ती किस टाइप का है। और देखिए इधर दो रास्ते हैं, इधर एक बस्ती जाता है और एक बस्ती जाता है इधर, दो रास्ते हैं और इसी के बीच में है ये चबूतरा। तो फाइनली इसको रीपेंटिंग करना है। ये पेंटिंग पहले हुआ था 4-5 साल पहले, उसके बाद इसमें पेंटिंग नहीं हुआ है। तो अभी इसको दूसरी बार पेंटिंग करने के लिए मैं करने के लिए आया हूँ। तो ठीक है गाइस, अभी यहाँ का काम मैं शुरू करता हूँ। Thank you.
गाइस अभी हम लोग यहाँ का काम ख़त्म कर चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा थकावट मेरे को हो रही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप भी है। और अभी बज रहे हैं 2 बज चुके हैं और अभी हम लोग खाना वाना नहीं खाए हैं और नाश्ता भी आज नहीं लेकर आए थे। और यहाँ करते करते काफ़ी ज़्यादा धूप थी, इस वजह से थक गए थे। यहाँ पर थोड़ा सीढ़ी उड़ी का भी थोड़ा झंझट था। जैसे तैसे करके यहाँ का काम कंप्लीट कर लिया हूँ। एक छोटा सा और काम है, उसको भी मेरे को करना है। तो फिलहाल मैं यहाँ से निकलता हूँ और गाइस जो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और जल्दी किसी अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।